संग्राम से इतने महान विचारों की परंपरा चल पड़ी। हर कालखंड में नए विचारक मिले। भारत के लिए इतनी संकल्पनाएं, इतने सपने एक साथ खड़े हुए। देश के अलग अलग हिस्सों से नेता और महान लोग एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे से सीखते थे। आज टेक्नोलॉजी के जमाने में हमें ये सब बड़ा आसान लग सकता है, लेकिन उस दौर में ये सुविधाएं, ये सोशल मीडिया और मोबाइल के जमाना नहीं था उस समय, लेकिन फिर भी ये जननायक, ये नेता एक साथ मिलकर मंथन करते थे, आधुनिक भारत की रूपरेखा खींचते थे। आप देखिए 1922 में देश के पूर्वी भाग से गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर यहां दक्षिण में आकर नारायण गुरु से मिलते हैं। तब गुरु से मिलने बाद गुरुदेव ने कहा था कि मैंने आज तक नारायण गुरु से महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व नहीं देखा है। 1925 में महात्मा गांधी गुजरात से साबरमती के तट से देश के पश्चिमी हिस्से से चलकर यहां आते हैं, श्री नारायण गुरु से मिलते हैं। उनके साथ हुई चर्चा ने गांधी जी को काफी गहराई तक प्रभावित किया था। स्वामी विवेकानंद स्वयं नारायण गुरु से मिलने पहुंच गए थे। ऐसी कितनी ही महान विभूतियां नारायण गुरु के चरणों में बैठकर के सत्संग किया करती थी। कितने विचार मंथन होते थे। ये विचार सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद एक राष्ट्र के रूप में भारत के पुनर्निर्माण के बीच की तरह थे। ऐसे कितने ही सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक लोग एक साथ आए। उन्होंने देश में चेतना जगाई, देश को प्रेरणा दी, देश को दिशा देने का काम किया। आज हम जो भारत देख रहे हैं, आजादी के इन 75 सालों की जिस यात्रा को हमने देखा है, ये उन्हीं महापुरुषों के मंथन चिंतन विचारों का परिणाम है जो आज फलस्वरूप हमारे सामने है। साथियों, आजादी के हमारे मनीषियों ने जो मार्ग दिखाया था, आज भारत उन लक्ष्यों के करीब पहुंच रहा है। अब हमें नए लक्ष्य गढ़ने हैं, नए संकल्प लेने हैं। आज से 25 साल बाद देश अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा और 10 साल बाद हम तीर्थ दानम के 100 सालों की यात्रा भी, उसका भी उत्सव मनाएंगे। इन 100 सालों की यात्रा में हमारी उपलब्धियां वैश्विक होनी चाहिए और इसके लिए हमारा विजन भी वैश्विक होना चाहिए। भाइयों और बहनों, आज विश्व के सामने अनेक साझी चुनौतियां हैं, साझे संकट है। कोरोना महामारी के समय इसकी एक झलक हमने देखी है। मानवता के सामने खड़े भविष्य के प्रश्नों का उत्तर भारत के अनुभवों और भारत के सांस्कृतिक सामर्थ्य से ही निकल सकता है। इसमें हमारे आध्यात्मिक गुरु इस महान परंपरा को एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। तीर्थ दानम के बौद्धिक विमर्श और प्रयासों में हमारी नई पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है कि शिवगिरी तीर्थ दानम की ये यात्रा ऐसे ही निरंतर चलती रहेगी। कल्याण और एकता के प्रतीक और गतिशीलता की प्रतीक तीर्थ यात्राएं भारत को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बनेगी। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार आप सब यहां पधारे, मैं हृदय से आपका आभारी हूं।
और मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के जो सपने जो संकल्प आपने लिए हैं, मुझे भी एक सत्संगी के रूप में, एक भक्त के रूप में आपके इन संकल्पों के साथ जुड़ना मेरा अहोभाग्य होगा, मेरे लिए गौरव होगा। मैं फिर एक बार आप सबका स्वागत करते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूं।